हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टारी विद शोबिंग में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में फिर से आप लोगों को बताऊंगा एक प्राइवेट कंपनी के जॉब के बारे में। तो दोस्तों, फ्लिपकार्ट ये ऐसा कंपनी है जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे वैकेंसी निकला होता है हर एक मंथ में। तो 2019 में मैं फिर से यहाँ पे बहुत सारे वैकेंसी निकला है फ्लिपकार्ट के अंदर। तो दोस्तों, जो लोग एप्लीकेशन करना चाहते हैं उन लोगों के लिए यहाँ पे मैं क्लियर करके बताऊंगा कि क्या क्या वैकेंसी निकला है, कहाँ कहाँ इसका जॉब की वैकेंसी निकला हुआ है, कहाँ पोस्ट रहेगा, एलिजिबिलिटी क्या रहेगा, आपका क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, सब कुछ डिटेल में। तो दोस्तों, इसके पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि पूरा वीडियो देखें, उसके बाद ही आप लोग एप्लीकेशन किस तरह से कर पाएंगे वो आप लोग जान पाएंगे। दोस्तों, मैं इसके बाद आप लोगों को बताऊंगा कि फ्लिपकार्ट के एप्लीकेशन करने के लिए क्या क्या आपको एलिजिबिलिटी करना पड़ेगा और इसके साथ साथ आप किस तरह से एप्लीकेशन कर सकते हैं, मैं उसका भी वीडियो यहाँ पे आप लोगों को बता। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं फ्लिपकार्ट के जो ऑफिशियल पेज है, करियर पेज, मैं उसको ओपन कर चुका हूँ। यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा कि लेटेस्ट क्या क्या जॉब निकला हुआ है, सब कुछ डिटेल्स। तो यहाँ पे आप लोगों को बताऊँगा कि लेटेस्ट जॉब क्या क्या निकला हुआ उसका डिटेल्स मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊँगा। इसके साथ साथ किस तरह से आप एप्लीकेशन भी कर सकते हैं, मैं उसका भी डिटेल आप लोगों को बताऊँगा। लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ पर क्लिक करके इस पेज में आ सकते, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो दोस्तों, इस पेज में आने के बाद आप लोग देख सकते हैं सर्च जॉब में आपको क्लिक करना होगा। सर्च जॉब में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो जो रिसेंटली पोस्ट हुआ है जॉब, यहाँ पे आपको सारा डिटेल्स यहाँ पे चला आएगा। तो दोस्तों, जॉब के यहाँ पे डिटेल जब तक आता है, मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ कि एप्लीकेशन करने के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस आपको नहीं देना पड़ेगा, कोई भी आपको एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ इंटरव्यू के थ्रू आपको यहाँ पे आपको जॉब मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे रिसेंटली जो पोस्ट हुआ है मैनेजर पोस्ट के लिए, क्वालिटी प्रोसेस के यहाँ पे पोस्ट निकला हुआ है, मैनेजर डिपार्टमेंट है। इसके लिए आपको जॉब लोकेशन रहेगा बेंगलुरु में। उसके बाद दोस्तों, मैनेजर मर्चेंडाइजिंग मोबाइल सेल साइट के वैकेंसी निकला हुआ है। उसके बाद प्रोसेस एक्सेलेंस लीन वेस्ट मुंबई के लिए वैकेंसी निकला हुआ है। इस तरह से बहुत सारे और भी जो यहाँ पे पोस्ट निकला है, जैसे कि एसोसिएट डायरेक्टर एफसी वेयरहाउस डिज़ाइन ग्रॉसरी वर्टिकल सिटी लॉजिस्टिक एंड मैनेजर बिजनेस मैनेजर बिजनेस डेवलपर। तो सारे दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं मैनेजर के अंदर है, मैनेजर डिपार्टमेंट के अंदर है। तो ये सब जो जॉब की लोकेशन आपको रहेगा ऑल ओवर इंडिया में। तो दोस्तों, बेसिकली यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया में आपका जॉब लोकेशन आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, जो लोग एप्लीकेशन करना चाहते हैं, एप्लीकेशन करने के लिए मैं प्रोसेस आप लोगों को बता देता हूँ। एप्लीकेशन करने के लिए आप कोई भी पोस्ट के लिए एप्लीकेशन कर सकते, सिर्फ आपको उसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक और पेज चलाएगा, जिस पेज में आपका इस जॉब का जो डिटेल है यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं करियर अपॉर्चुनिटी जो मैनेजर क्वालिटी के जो वैकेंसी निकला उसका डिटेल्स यहाँ पे चलाया है। यहाँ पे क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है इस जॉब के, यहाँ पे वो सब यहाँ पे दिया है। उसके बाद स्किल एंड रिक्रूटमेंट जो जो चाहिए यहाँ पे वो भी यहाँ पे दिया है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं क्वालिफिकेशन इन एनी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन विद मास्टर इन टेक्नोलॉजी और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव सेशन प्रूवन वर्किंग एक्सपीरियंस 6 to 8 ईयर्स इन द एरिया ऑफ ऑपरेशन डेवलपमेंट एंड क्वालिटी विद द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट 6 सिग्मा GBBB सर्टिफिकेट। तो दोस्तों, ये सब सारे क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। इस क्वालिफिकेशन से अगर आपका क्वालिफी मैच कर जाता है तो आप लोग यहाँ पे इजीली एप्लीकेशन कर सकते हैं। एप्लीकेशन करने के लिए अप्लाई में क्लिक करना होगा। अप्लाई में क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक फॉर्म दिया जाएगा, जिस फॉर्म को आपको फिलअप करके सबमिट करना होगा। तो दोस्तों, सबमिट करने के लिए पहले यहाँ पे आपको लॉगिन करना होगा, जिसके लिए यहाँ पे आपको एक अकाउंट बनाना होगा। अगर आपके पास अकाउंट है तो आप लॉगिन कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आपको इस तरह से आपको यहाँ पे एक अकाउंट बनाना होगा, जिसके अंदर आपको ईमेल आईडी एंड फर्स्ट नेम लास्ट नेम कंट्री फ़ोन नंबर ये सब देके क्रिएट अकाउंट करना हो, उसके बाद ही आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप लोग ये फ्लिपकार्ट के और के भी जो जो जॉब निकला हुआ है सब कुछ में आप लोग एप्लीकेशन कर सकते। तो इस तरह से आप लोग ये वीडियो देख के आप लोग एप्लीकेशन कर सकते।